चाहते हैं कि हमारे दल के नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, कौन नहीं चाहता है जी? दल के आप लोग क्या चाहते हैं? दल के कार्यकर्ता की भावना नेताओं के साथ निहित होता है। और एक बात पूरी तौर पर आप लोग को जान ही लेना चाहिए कि सब लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे वह अंतिम महत्व। लेकिन ये बात निकल कर बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर तारीफ करते नजर आए और उनकी प्रशंसा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने की जो बातें चल रही है और नीतीश कुमार को उस पद के लिए जो चुनने का जो बात चल रहा है, मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि आने वाले दिनों में जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हो तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सामने आए और नीतीश कुमार ही आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का संयोजक बने। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से अच्छे छवि और हर पात्रता रखने वाला कोई भी नेता उनके सामने नहीं है, तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही इंडिया गठबंधन की संयोजक बनानी चाहिए। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, पहले आप वो सुने। चाहते हैं कि हमारे दल के नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, कौन नहीं चाहता है जी? आप लोग क्या चाहते हैं? दल के कार्यकर्ता की भावना नेताओं के साथ निहित होता है। और एक बात पूरी तौर पर आप लोग को जान ही लेना चाहिए कि सब लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे वह अंतिम महत्व। लेकिन ये बात निकल कर बने, संकल्प को अपने पर्णों को आगे करके हर बार जन विश्वास को जीता है। और जन विश्वास को जो जीतता है वो नेता स्थापित होता। बीच में बातें सामने आई कि लालू यादव ने जो है ममता बनर्जी से मिलकर खेला किया, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं और भी कई तरह की चीजें। और अभी जो स्थितियां सारे हाइपोथेटिकल एलिगेशन, सारे हाइपोथेटिकल स्टोरी जो सर्टेन प्लेटफॉर्म और सर्टेन लोग के द्वारा जो क्रिएट किया जा रहा है उनको निराशा हाथ लगे। ठीक ठीक लगाओ। इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की को लेकर के कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पहल हुई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से मुलाकात बातचीत की है। कल तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। क्या लग रहा है जो कुछ संकट के बादल लगातार मीडिया में चल रहे थे? मुझे हैरानी होती है, जो विषय हम लोग को पता नहीं होता आप लोग को पता चल जाता है। लेकिन इतनी बात साफ है, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में एक सशक्त और एक मजबूत चेहरा हैं। इनकी पात्रता कई रूपों में सिद्ध हो चुकी है और ये पात्रता रखते हैं। गठबंधन चलाने का, केंद्र चलाने का, राज्य चलाने का दोनों अनुभव प्राप्त है वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में से। जहाँ तक सवाल है संयोजक का, संयोजक कोई बड़ा पद नहीं है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का सबसे आकर्षक और सबसे विश्वसनीय है। इसलिए मेरा मत साफ है कि घटक दलों ने दल बैठकर के जो निर्णय लेंगे अभी तौर पर सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगा। अब सुशील कुमार मोदी जी के बातों को गंभीरता से मत लीजिए, वो तो स्टेपनी रहे हैं। उनके अंदर था क्या? गिरोह में ताकत थी, जाति आधारित गणना और आरक्षण लागू करने की ताकत था, नियुक्ति पत्र बांटने की ताकत था। गांधी मैदान में 1,20,000 एक बार, 1,20,000 फिर बांटने जा रहा है, ये ताकत किसमें है? संकल्प और प्रण है तेजस्वी जी का, नेतृत्व है नीतीश जी का। जो संकल्प और प्रण जब नेतृत्व के साथ जुटता है तो चीज़ें जनहित में स्थापित होता दिखता है। और नीतीश जी अगर इंडिया का बंधन के कन्वीनर बनेंगे तो बिहार के लिए खुशी की बात होगी ना, हर कोई चाहता ही है कि सुशील मोदी ये कह रहा है, सुशील मोदी ये कह रहा है, बनाइए उनको, सुशील मोदी ये कह रहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वीनर बनना चाह रहा है। नीतीश जी हर पद के पात्रता को सिद्ध करने वाले व्यक्ति हैं और पात्रता रखते हैं, हर पद की पात्रता रखते हैं। इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक मोबाइलवा घुसा दीजिए मुझे, जो हमारा बनावट उसमें इस देश का सर्वोच्च से सर्वोच्च पद की पात्रता आदरणीय नीतीश कुमार जी रखते हैं। जो वर्तमान में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा काबिलियत नीतीश जी के अंदर में आप लोग लगता है। नीतीश
तो आपने सुना किस तरीके से शक्ति यादव नीतीश कुमार की प्रशंसा करते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें मैं निश्चित तौर पर यह बात रखूंगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को ही चुना जाए। जिस तरीके से वो हर पात्रता रखते हैं, आने वाले दिनों में बिहारवासियों के लिए भी एक संयोजक के तौर पर जब वो निकल कर आएंगे तो बिहारवासी भी इस बात से खुश होंगे। और वो पत्रकारों से जब सवाल जवाब जब होता रहा तो सवाल जवाब में उन्होंने जब पूछा शक्ति यादव से कि आपका क्या कहना है कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि यह एक बस हाइपोथेटिकल स्टोरी है और बस एक सर्टेन व्यक्ति के तौर पर जो लोग अपनी बातें जो कहते नजर आते हैं ये साफ तौर पर गलत है और हमारे जनता दल में या जदयू में ये कोई भी बातें ऐसी कहते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लोग खुद ही कोई भी सवाल रचते हैं और कोई भी क्वेश्चन रचते हैं और उसका सवाल जवाब खुद ही कर लेते हैं। तो क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति यादव, ये मैंने आपको सुनाया। तो इस खबर में बस इतना ही। आसपास से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।